हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और सब स्वस्थ होंगे, सारे स्टूडेंट्स स्वस्थ होंगे। और मैं आज बात करने वाला हूँ, टॉपिक लेके आया हूँ आउटडोर इंडोर फ्लोरिंग के बारे में। आप लोग भी सोच रहे होंगे, मैं काफ़ी दिन से एक वीडियो नहीं ला रहा था, कुछ वजह से मैं वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब आप लोगों को एक दिन दो दिन गैप पे आपको वीडियोस अपलोड मिलेगी। और आप लोग कमेंट ज़रूर करते रहिएगा कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, सिविल से, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए या बिलिंग से रिलेटेड आपको चाहिए। जो भी टॉपिक आप बताएंगे उस टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाऊंगा। ओके, आज मैं बात करूंगा बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग के बारे में। दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है इंडोर, एक होती है आउटडोर फ्लोरिंग। तो मैं बात करता हूँ आज आउटडोर बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग के बारे में। इसके प्रोसीजर बताऊंगा, मैं इस पर काम भी किया हूँ, प्रैक्टिकली नॉलेज भी है इसमें। मैं बताऊंगा कि कैसे फ्लोरिंग इस पर कितने लेयर में हम इसको बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग तैयार करते हैं। दो फ्लोरिंग्स होती हैं आउटडोर में। हम बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग जो जनरली आज यूज़ हो रही है वो होती है, एक फर्स्ट है सिंथेटिक एक्रेलिक फ्लोरिंग, ये होती है एक्रेलिक सिंथेटिक फ्लोरिंग। दूसरा होता है रबर फ्लोरिंग। मैं बात करूंगा सिंथेटिक एक्रेलिक फ्लोरिंग के बारे में, मैं बताऊंगा एक एक स्टेप बताऊंगा, क्योंकि इस पे भी इस पे मैंने वर्क करवाया है, काम करवाया है, तो इसकी मेरे प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी है। और मैं इसमें बताऊंगा क्या क्या चीज़ें यूज होती है, कुशन हम कितने लेयर में करते हैं, एस्फॉल्ट कितना लेयर करते हैं, तो मैं एक चीज़ बताऊँगा। तो मैं अब बात करता हूँ सिंथेटिक एक्रेलिक फ्लोरिंग के बारे में। जनरली सिंथेटिक एक्रेलिक बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग जो होती है, नॉर्मली 3 से 8 लेयर में हम बनाते हैं इसको, बनाई जाती है। और एक्रेलिक सिंथेटिक बैडमिंटन कोर्ट में स्टेप वाइज स्टेप कितने लेयर होते हैं। फर्स्ट स्टेप में इसमें जो लेयर हम करते हैं, पहले तो जो हम जिस एरिया में हमें बैडमिंटन कोर्ट फ्लोरिंग बनानी है, कोर्ट तैयार करना है, उस एरिया को हम क्लीन कर लेते हैं। अगर वो एरिया अगर कुछ वजह से ख़राब है तो हम उसको PCC वगैरह करने के PCC वगैरह करके स्मूथ कर लेते हैं, या फ्लोरिंग उसको बेस अच्छे से बना लेते हैं। उसके बाद फर्स्ट स्टेप हम इसमें एस्फॉल्ट बेस करते हैं। फर्स्ट जो लेयर हम उसे बिछाते हैं वो एस्फॉल्ट होती है। फिर दूसरी जो हम लेयर करते हैं, एस्फॉल्ट बेसिकली एक लेयर होती है, फिर दूसरी लेयर हम करते हैं। जैसे मैं एस्फॉल्ट की पिक्चर दिखा रहा हूँ, ब्लैक कलर का जो ये आपकी फ्लोरिंग भी है, रबर टाइप्स की दिख रही है, ये एस्फॉल्ट लेयर है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जब ये हमारा एस्फॉल्ट लेयर होता है, ड्राई हो जाता है, उसके बाद हम कुशन यूज़ करते हैं। कुशन फ्लोरिंग के आगे स्टेप सोचते हैं, आगे स्टेप बढ़ाते हैं। जैसे मैं आगे बताता हूँ, एस्फॉल्ट लेयर के बाद हम फिर उसके बाद क्या करते हैं, 8 लेयर कुशन सिस्टम यूज़ करते हैं। जो 8 लेयर हम एस्फॉल्ट फ्लोरिंग के बारे में, जब बेस हमारा तैयार हो जाता है, उसके बाद हम 8 लेयर हम कुशन सिस्टम करते हैं, फ्लोरिंग करते हैं। उसका क्या प्रोसीजर है मैं बताता हूँ। फर्स्ट लेयर जो होती है, हम पहला लेयर एस्फॉल्ट बेस फ्लोरिंग के बाद हम फर्स्ट लेयर हम कुशन का करते हैं, वो उसमें यूज करते हैं। फर्स्ट लेयर प्राइमर लगाते हैं, सेकंड एक लेयर हम एक्रेलिक सरफेस, एक लेयर भी जनरली यूज़ करते हैं, नॉर्मली यूज कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छा अपना बैडमिंटन फ्लोरिंग बनाना चाहते हैं तो आप 2 लेयर री सरफेस सरफेसेज आप बना सकते हैं। इसमें 4 लेयर ऑफ कुशन हम लेयर करते हैं। इसमें जो कंट्रोल में हम 2 लेयर सरफेसेज के बाद हम 4 लेयर इसमें कुशन के होते हैं। उसके बाद 1 लेयर ऑफ टेक्चर्स कोर्स वगैरह करते हैं, फिर 1 लेयर ऑफ फिनिश कोर्स करते हैं, लाइन मार्किंग। फिर जब सब कुछ हमारा बेस ये तैयार हो जाता है, जैसे आप लोग पिक्चर्स में भी देख रहे होंगे, उसके बाद हम इसमें लाइन मार्किंग करते हैं। लाइन मार्किंग करते हैं, उसके भी प्रोसीजर हैं। वो जो वर्क करते हैं, जो काम करते हैं, जो बैडमिंटन कोर्ट तैयार करते हैं, वो मास्किंग टेप का यूज़ करते हैं, जिससे हमारी लाइनिंग का जो स्ट्रेट हो, लाइन हमारी स्ट्रेट हो, गड़बड़ ना हो, इसलिए हम मास्किंग टेप लगाकर हम इसकी लाइनिंग तैयार करते हैं। ये अब हमारा ये इस तरीके से हम एक्रेलिक सिंथेटिक बैडमिंटन कोर्ट हमारा ये सारा तैयार हो जाता है। बेसिकली इसकी जो थिकनेस होती है वो 10 mm के आसपास होती है। ओके, आई होप आप लोगों को इससे एक्रेलिक सिंथेटिक की जो फ्लोरिंग होती है और कितने बाई कितने स्टेप में बनाई जाती है, सब कुछ आप लोगों को ये आई होप शायद क्लियर हो गया हो कि एक्रेलिक सिंथेटिक फ्लोरिंग कैसे है।
एक एक स्टेप्स आप लोगों को पता हो चल गया होगा। और दूसरा मैं दूसरी जो फ्लोरिंग आउटडोर की होती है वो रबर फ्लोरिंग होती है। एक्रेलिक थोड़ा सा एक एक हिसाब से बात की जाए तो एक्रेलिक अब जो ज़्यादा यूज़ हो रही है आउटडोर में वो रबर फ्लोरिंग यूज़ हो रही है। रबर फ्लोरिंग की जो थिकनेस होती है वो 10 mm है, आप 20 mm यूज़ कर सकते हैं। जैसे बास्केटबॉल है वहाँ पे भी रबर फ्लोरिंग आजकल जनरली यूज़ की जाती है। और जो रबर फ्लोरिंग की जो साइज़ होती है, एक रबर फ्लोरिंग की जो साइज़ होती है 20x20 inches की होती है। आई होप टू टाइप्स की आउटडोर फ्लोरिंग के बारे में मैंने बताया।